वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2021 की मच अवेटेड वेब सीरीज मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 के रिलीज टाइम की। दोस्तों जब वॉल्यूम 1 रिलीज किया गया तो उसे देखने के बाद सभी फैंस से शॉक्ड हो गए बिकॉज ऑफ टोक्यो का डेथ सीन। टोक्यो का डेथ सीन देखने के बाद सभी फैंस वॉल्यूम 2 का बुरी तरह से वेट करने लगे कि कैसे प्रोफेसर और प्रोफेसर की टीम अब टोक्यो का बदला लेंगे। फिर वॉल्यूम 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे देखने के बाद फिर से सभी फैंस शॉक्ड हो गए क्योंकि प्रोफेसर की सारी टीम पकड़ी जाती है और प्रोफेसर खुद बैंक ऑफ स्पेन में आता है। खैर मनी हाइस्ट के जो फैंस हैं उनके माइंड में बहुत ज्यादा सवाल इस टाइम चल रहे हैं और ये सारे सवालों के जवाब आज आपको वॉल्यूम 2 में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 को एग्जैक्ट किस टाइम पे रिलीज किया जाएगा, इंडिया में एग्जैक्ट आपको वॉल्यूम 2 किस टाइम देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ वॉल्यूम 2 के टोटल कितने एपिसोड होंगे और हर एपिसोड की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या मनी हाइस्ट का इसके अलावा भी कोई पार्ट देखने को मिलेगा या नहीं, और सबसे स्पेशल क्या वॉल्यूम 2 स्क्विड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा या नहीं। तो इन सारी चीजों पर हम बात करते हैं, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीज टाइम की। तो आपको बताता चलूं कि अभी कुछ ही घंटों बाद जैसे ही 1:30 होंगे तो वॉल्यूम 2 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन मे बी वॉल्यूम 2 आपको 1:30 की बजाय 1:35 या 1:40 पर देखने को मिले क्योंकि बहुत सारे फैंस बुरी तरह वॉल्यूम 2 का वेट कर रहे हैं। तो जब एकदम से सब देखने बैठेंगे तो हो सकता है सर्वर क्रैश कर जाए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, दैट्स व्हाई। लेकिन ऑफिशियली आज दिन के टाइम 1:30 पर मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा और इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। टोटल एपिसोड्स हैं 5 और हर एपिसोड की लेंथ है तकरीबन 50 मिनट, लेकिन जो लास्ट वाला एपिसोड है उसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 आवर प्लस जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 स्क्विड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा या नहीं, क्योंकि स्क्विड गेम ने 1 मंथ के अंदर अंदर 111 मिलियन व्यूज वॉच्ड किए हैं। तो क्या वॉल्यूम 2 भी इतने व्यूज गेन कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम 2 का क्रेज है सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर भी जो कंट्रीज है उनमें भी मनी हाइस्ट का बुरी तरह से वेट किया जा रहा है। दो वजह है, एक तो टोक्यो का डेथ सीन, दूसरे नंबर पर इसका लास्ट पार्ट, दैट्स व्हाई इसका वेट और क्रेज बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये भी क्या पता स्क्विड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक कर ही जाए। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि इसके बाद मनी हाइस्ट का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। आज जो वॉल्यूम 2 आने वाला है ये मनी हाइस्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। हाँ 2023 में बर्लिन की एक सीरीज आएगी, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं बताया जा सकता। अभी सिर्फ नेटफ्लिक्स ने ये कहा है कि बर्लिन की एक सीरीज आएगी जिसे 2023 यानी कि 2023 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों वॉल्यूम 2 का वेट कौन कौन लोग बुरी तरह से कर रहे हैं एक दफा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दो, और क्या जब ये सीरीज आती जाएगी तभी देखोगे या आराम से देखोगे। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मनी हाइस्ट के फैंस के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है।